बताना आपको चाहेंगे कि पंजाब के पूर्व विधायक जस्सी से पूछताछ हुई है। पंचकुला हिंसा के मामले में पूछताछ हुई है। एसआईटी ने 5 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ के बाद मीडिया के सवालों से बचते नजर आए हैं जस्सी। 25 तारीख को पंचकुला में मौजूद नहीं था, ये बात जस्सी ने कही है। कानून पर हमें पूरा विश्वास है, ये बात जस्सी कहते हुए नजर आए हैं। तो बताना आपको चाहेंगे कि पंजाब के पूर्व विधायक हैं जस्सी, और पंजाब के पूर्व विधायक जस्सी से पंचकुला हिंसा मामले को लेकर पूछताछ हुई है, और यह पूछताछ का दौर 5 घंटे तक चला। एसआईटी ने पूछताछ की है। पूछताछ के बाद मीडिया के सवालों से हालांकि जस्सी बचते नजर आ, देखिए तस्वीरें आपके सामने, जब जस्सी बाहर निकले और उसके बाद मीडिया ने हालांकि उनसे सवाल पूछना चाहा क्या हुआ, तमाम बातों पर बातचीत करनी चाहे, लेकिन इन तमाम सवालों से बचते नजर आए हैं। 25 तारीख को पंचकुला में मौजूद नहीं था, इतना बस कहा जस्सी ने। कानून पर पूरा विश्वास है, जस्सी ये बोलकर चलते बने। सर जो पूछताछ हुई है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? सर पंचकुला पुलिस ने आज आपको पूछताछ के लिए बुलाया था, डेरा सच्चा सौदा वाले, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कुछ नहीं भाई साहब। जो आप पे जो सिक्योरिटी गार्ड बाबा जी का साथ है, क्या वो सही है? धमकी कर रहे हो सर? आप पंचकुला में थे, आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? 25 को थे जी आप, आप पब्लिक उधर पहले तो प्रेस से बात करते हैं। आप क्या मानते हैं पुलिस जो एलिगेशन लगा रही है, क्या वो ठीक है? मैं 30 साल कैमरा पीछे कमेंट्स कोई गलत, पुलिस का भरोसा है, अंदर की कानून पे देश के भरोसा है आपको? सर 25 तारीख को आपसे और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ अनिल कुमार चंडीगढ़ से जुड़े हुए। अब अनिल, पूछताछ हुई है, पूरा विश्वास है कानून पर, तमाम बातें कहते तो नजर आए हैं, लेकिन जब पूरी तरीके से सही है जस्सी, तो फिर आखिरकार मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? जी आज जस्सी जो है मीडिया से बचते रहे और आखिरकार ये भी कह गए कि वो बेकसूर हैं और कानून पर पूरा भरोसा है। आज जो पुलिस ने तकरीबन जो है 5 घंटे के करीब उससे पूछताछ की है और इसमें क्या निकल के आया है ये तो पुलिस ही अपने जब बताएगी मीडिया को, तो जब ही जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जस्सी ने अपना पक्ष रखा है कि वो बेकसूर हैं और उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। जी अच्छा, लेकिन अनिल आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? 5 घंटे तक पूछताछ हुई है, इस पूछताछ में धारा क्या कुछ रहा जस्सी से? जी 5 उन्होंने ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन 5 घंटे पूछताछ करना एक बड़ी बात है और वो सवाल पूछे होंगे जो पुलिस के जहन में होंगे, और 5 घंटे की पूछताछ में क्या क्या पूछा है इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर कह गए कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और जिस दिन घटना हुई थी वह पंचकुला में नहीं था। जी अच्छा, लेकिन क्या एसआईटी को उम्मीद है कि जस्सी से पूछताछ के आधार पर एसआईटी को लीड्स मिल सकती है पंचकुला हिंसा मामले में? जी जाहिर सी बात है, पुलिस के हाथ कोई क्लू लगता है तो जब भी वो पूछताछ के लिए बुलाती है, चाहे किसी से भी पूछताछ करनी पड़े, और 5 घंटे पूछताछ करना ये काफी बड़ी बात है और 5 घंटे में क्या क्या निकल के आया है ये थोड़े ही दिन में इसका पता चल जाएगा। अच्छी अच्छा, क्या जस्सी से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है क्या? जी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, अगर पुलिस पूछना चाहेगी तो जस्सी को दोबारा भी बुला सकती है, लेकिन पुलिस इससे संतुष्ट हुई है या नहीं हुई ये पुलिस ने देखना है। अच्छी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की पूर्व विधायक का पंचकुला हिंसा को लेकर तमाम जो आरोप लगे थे उन्हीं के बाद जस्सी को बुलाया गया था, पूर्व विधायक है और उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। हालांकि इस पूछताछ के बाद जब बाहर निकले, हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, मीडिया ने तमाम सवाल पूछे हैं लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस इतना जरूर कहते नजर आए कि कानून पर पूरा विश्वास है, बस इतना उन्होंने जरूर कहा और वहां से चलते बने।